गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे साइंस क्लास 9 चैप्टर 2 पार्ट 2। तो आज हम पढ़ेंगे मिक्सचर, सॉल्यूशन, होमोजेनियस सॉल्यूशन, हेटरोजेनियस। तो आज हम पढ़ेंगे नंबर 1 मिक्सचर, नंबर 2 होमोजेनियस मिक्सचर और नंबर 3 हेटरोजेनियस मिक्सचर और सॉल्यूशन। तो आज हम ये 4 चीजें डिस्कस करेंगे। तो पहली बार मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर सिंपली एक मिक्सचर ही होता है, लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखने योग्य है कि मिक्सचर के कंपोनेंट आपस में रिएक्ट नहीं करते। तो ये इसकी डेफिनेशन भी है। व्हाट इज मिक्सचर? डिफाइन मिक्सचर। May be defined as mixture of, or we can say combination of, two or more than two substances which are chemically non-reacting with each other. तो मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर दो या दो से अधिक सब्सटेंस का मिक्सचर होता है जो कि आपस में रिएक्ट नहीं करते, जैसे कि साल्ट प्लस शुगर। अगर हम नमक और चीनी को मिला दें तो वो भी एक मिश्रण है। जैसे हम दूध के अंदर पानी मिला दें तो वो भी एक मिक्सचर है, लेकिन ये कंपोनेंट आपस में रिएक्ट नहीं करते। अगर मैं पानी के अंदर नमक और चीनी डाल दूँ और उसको टेस्ट करूँ तो मुझे पानी का भी टेस्ट आएगा, नमक का भी आएगा और शुगर का भी आएगा। तो हम कह सकते हैं कि मिक्सचर की प्रॉपर्टी जिन से मिलकर ये बना है उन्हीं के इन बिटवीन होती है, जबकि कंपाउंड की प्रॉपर्टी जिन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है उससे बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। तो अब हम देखेंगे होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस हेट्रो जीनियस इसका मतलब है असमान। समान तो हम कह सकते हैं कि अगर किसी मिक्सचर की कंपोजिशन बनावट सारे के सारे मिक्सचर में सेम है तो हम कह सकते हैं कि वो होमोजेनियस है। तो होमोजेनियस मिक्सचर में भी डिफाइंड एज ए मिक्सचर इन विच कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इज सेम थ्रू आउट द मिक्सचर। तो अगर किसी मिक्सचर की बनावट पूरे के पूरे मिक्सचर में एक समान है तो हम उसे बोलेंगे होमोजेनियस। जैसे साल्ट प्लस वाटर, आप नमक और पानी को मिक्स कीजिए और फिर चाहे एक स्ट्रो की मदद से ऊपर से पीकर देखिए
या बीच से पीकर देखिए या नीचे से पीकर देखिए, आपको उतना ही नमकीन टेस्ट आएगा क्योंकि उसकी बनावट एक समान है। तो होमोजीनियस मिक्सचर वह मिक्सचर होता है जिसकी बनावट एक समान होती है, और हेटरोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसकी बनावट एक समान नहीं होती, कहीं पर वह ज़्यादा होते हैं, कहीं पर कम होता है। तो अब हमने पढ़ा मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, हेटरोजीनियस मिक्सचर, और इसके बाद हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन। मे बी डिफाइंड एज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। विच आर केमिकली नॉन रिएक्टिंग। तो सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन भी एक मिक्सचर ही होता है, लेकिन ये मिक्सचर होमोजीनियस होता है, एक समान होता है। इसमें दो या दो से अधिक कंपोनेंट हो सकते हैं, लेकिन वो आपस में रिएक्ट नहीं करते। तो सॉल्यूशन को समझने के लिए सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्यूट में भी डिफाइंड एज ए सब्सटेंस विच इज डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट। सॉल्यूट वह सब्सटेंस है जो सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व किया जाता है। डिफाइन सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट में भी डिफाइंड एज दैट सब्सटेंस इन विच सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड। तो हम कह सकते हैं सॉल्वेंट वह सब्सटेंस है जिसके अंदर सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। एज ए एग्जांपल हम एक काम करते हैं, हम पानी के अंदर, ये वाटर है, हम इसके अंदर थोड़ा साल्ट डाल देते हैं, तो ये NaCl प्लस वाटर ये सॉल्यूशन है। तो आज के लिए आपका इतना काफ़ी है, बाकी हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।